पेपरों के उत्तर मामले में पीएससी अभ्यर्थियों को झटका। तो देखिए दोस्तों, क्या ये जानकारी है इसके बारे में बात करेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। प्ले लिस्ट में समस्त वीडियो हैं जिसमें टेस्ट सीरीज भी है और अभी तक मुख्य परीक्षा के बारे में जितने भी नोट्स हैं हैंड रिटन, उनके वीडियो हम पहले ही बना के डाल चुके हैं, आप वहाँ से ज़रूर देखें। चलिए आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से पीएससी परीक्षा 2020 के उन अभ्यर्थियों को करारा झटका लगा है जिन्होंने विवादित प्रश्नों के उत्तर को लेकर अपील दायर की थी। तो जो 2020 की जो प्रीलिम्स हुई थी और जिन्होंने अपील लगाई थी, उनके लिए चीफ जस्टिस रवि विजय मलिमंत व जस्टिस पुष्रेन गौरव की युगलपीठ ने एकल पीठ के आदेश को ठहराते हुए एक्सलेट ओपिनियन को मानते हुए दायर अपील खारिज कर दी। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य चयन सेवा परीक्षा 2020 की प्रारंभिक परीक्षा 25 जुलाई 2021 को परिणाम घोषित 15 जनवरी 2022 में 2 अंकों से फेल सैकड़ों छात्रों द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अभ्यर्थी की ओर से दायर याचिकाओं में कहा गया था कि एक प्रश्न उत्तर में ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर को माना गया है, जबकि मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी सहित अन्य प्रकाशकों की पुस्तकों में केशव चंद सेन उल्लेखित हैं। एकलपीठ ने इस संबंध में एक्सपर्ट कमेटी से राय मांगी थी। तो देखिए, जो प्रश्न का जो विवाद था, जो इसमें बहुत सारी पुस्तकों में ब्रह्म समाज की स्थापक देवेंद्र नाथ माने गए थे, कुछ पुस्तकों में केशवचंद माने गए थे, तो जो याचिका जो दायर हुई थी 1-2 नंबर से जिन बच्चों का रह रहा था, उसके बारे में कमेटी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में पीएससी के उत्तर को सही माना गया है। आवेदकों का कहना था कि उन्होंने प्रश्न क्रमांक 70 का सही उत्तर ऑप्शन बी टिक किया है, जबकि आयोग ने ऑप्शन ए मान्य किया है। इसके कारण सम्मति याचिकाकर्ताओं 2 अंक कम होने के कारण मुख्य परीक्षा से वंचित हो गए हैं तथा विज्ञापन की शर्त क्रमांक 3 के अनुसार जिन प्रश्नों के उत्तर 1 से ज़्यादा सही हैं उनको मान्य किया जाएगा तथा अंक प्रदान किए जाएंगे। दायर समस्त याचिकाओं की 1 साथ सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दायर याचिकाएं खारिज कर दी हैं, जिसके खिलाफ यह अपील दायर की गई थी। सीजे की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपने आदेश में एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एकलपीठ के आदेश को सही ठहराते हुए दायर अपील खारिज कर दी है। अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के उक्त आदेश के खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करेंगे। तो दोस्तों, जो प्रश्न था ब्रह्म समाज का, उसके ऊपर जो याचिका दायर की थी उसके बारे में जानकारी थी। दोस्तों, चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। दोस्तों, समस्त जो PSC रिलेटेड PBS रिलेटेड जानकारी सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट करवाते हैं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।